नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिसिन एजुकेशन टास्क में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल के बारे में, जो कि कील मुहासों को या पिंपल्स को ठीक करने वाली जेल है। इस जेल के यूजेस के बारे में जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसके पॉपुलर ब्रांड नेम क्या हैं, सभी प्रकार की जो जानकारी है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए आप दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें, जिससे आपको क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो जेल है वो एक प्रकार की एंटी बैक्टीरियल दवा है, जो कि बैक्टीरियल के इन्फेक्शन के कारण से आपको कील मुहासे हुए हैं उसको ये ठीक करती है। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो है वो लिंकोसामाइड ग्रुप की ड्रग है और इसका यूज बैक्टीरिया को किल करने में किया जाता है। अगर आपको एक्ने हुए हैं, कील मुहासे या फिर आपको पिंपल्स हो गए हैं उसको ये मेडिसिन ठीक करती है। इसके यूजेस के बारे में जानने से पहले इसके ब्रांड नेम्स के बारे में जान लेते हैं। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे क्लियर जेल है, एक्ने सोल जेल है, इसके अलावा क्लिनिक ए है और आपको इरिप्टोप के नाम से भी मिल जाएगी। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, आपके एरिया में किसी और नाम से मिल सकती है। अब जान लेते हैं इस क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल के यूजेस के बारे में। अगर आपको कील मुहासे हो गए हैं या एक्ने हो गए हैं, एक्ने चाहे आपके चेस्ट पे हो, पीठ पे हो या चेहरे पे हो, ये जो क्रीम है, ये जो जेल है वो सभी प्रकार के एक्ने को ठीक करती है। इसके अलावा अगर आपको ब्लैक हेड या वाइट हेड हो गए हैं उसको भी ये मेडिसिन ठीक करती है। अगर आपको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से कील मुहासे हो गए हैं तो ये बैक्टीरिया को किल करके जहाँ भी आपको कील मुहासे हुए हैं उसको ये मेडिसिन ठीक करती है। कभी कभी व्यक्ति को एक्ने के कारण जहाँ पे एक्ने हुआ है वहाँ पे दर्द भी हो जाता है और सूजन भी हो जाता है, तो ये दर्द और सूजन को भी ठीक करती है। अब जान लेते हैं इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जहाँ भी आपने इस क्रीम को लगाया है, अप्लीकेशन साइट के ऊपर आपको जलन, इचिंग या फिर आपको खुजली चल सकती है या फिर आपको इरिटेशन जैसा लग सकता है, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे जान लेते हैं इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे इस क्रीम को आपको यूज़ करना है। सबसे पहले अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें, उसके बाद में चेहरे को ड्राई करें और उसके बाद इस क्रीम को आपको अप्लाई करना है। और इस क्रीम को अप्लाई आपको दिन में दो बार करना है, सुबह और शाम इस क्रीम को आप लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे कहीं भी कट है तो वहाँ पे इस क्रीम को आपको नहीं लगाना है। इस क्रीम को अगर आप 2 से 6 हफ्ते तक लगातार यूज करते हैं तो इस क्रीम का बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना आप ना भूलें, जिससे ये वीडियो किसी अन्य व्यक्ति के काम आ सके। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी हम समय समय दोस्तों आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।